मिस्टर सिंह राणा, आर वाई न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। आज तेलंगाना बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2017 का आगाज किया गया। यह चैंपियनशिप सुल्तान शाही प्लेग्राउंड, जो कि पुराने शहर में होता है, गंगा जमुना की तहजीब इस स्टेज पर देखने को मिली। इस मंच के मुख्य अतिथि के तौर पर हैदराबाद के एमपी श्री बंडारू दत्तात्रेय साहब और उनके साथ कंटेस्टेड हैदराबाद एमपी राशिद शरीफ साहब और वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मुत्तुश्याम जी और उनके साथ कई बड़े बड़े दिग्गज बॉडी बिल्डर दिखाई दिए। इसको पार्टिसिपेंट करने के लिए तेलंगाना के कोने कोने से बॉडी बिल्डरों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस प्रोग्राम को बहुत ही रोमांचक और सक्सेस किया गया। देखिए तफसीली रिपोर्ट। स्पोर्ट्समैन मरी शिवा मरी रंगाराव गारी चेयरमैन नायक तत्वंलो पट ई ओक बॉडी बिल्डिंग मोत्तम तेलंगाण व्याप्तंगा वच्चिनटुवंटि क्रीडाकारुलु पाल्गोनि इक्कड सुल्तान शाही बॉडी बिल्डिंग कार्यकर्ता उत्साहंगा పిల్లలని తయారు చేయాలని కోరుతూ నాకు ఇచ్చిన అవకాశం జో రెగ్యులర్ ఛాంపియన్షిప్గా జో దేఖా మిస్టర్ తెలంగాణగా జో దేఖా ఉస్మే జో హే కాఫీ ముజే ఖుషీ లగా కి బహుత్ అచ్చే జో హే అప్నే మెడల్స్ కో ఔర్ అప్నే బాడీ కో ఐసా తయారు కియే కి ఏక 40-50 సాల్ కే జో कोशिश से जितना होता वो 25 वर्ष में जो है वो लोग उसको जो है खुद बना के बहुत बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। इसे जो है एक रोष मालूम हो जाता और नौजवान लोगों में एक अच्छी जो है हेल्थ भी फ़ायदा हो सकता। तो इसलिए हमारे नौजवानों में जो व्यायाम करने का और जो है रेजलिंग करने का और बॉडी बिल्डिंग करने का जो बहुत कुछ जो है जैसे जिम्स बन रहे वैसे जो है इसको भी जो है आगे बढ़ाना, सरकार भी ऐसे लोगों को भी जो है और अच्छा आगे लाने के लिए उनको इंसेंटिव स्कीम भी सरकार भी देना बोल के मैं उनको सरकार से गुजारिश करता हूं। और दुनिया के अंदर भी रेजलिंग चैम्पियनशिप में और हिंदुस्तान इंडिया उसमें और हैदराबाद बहुत आगे आना बोल के मेरा पूरा विश्वास है। आज का जो बॉडी बिल्डिंग ये मुकाबला जो हुआ है सुल्तान शाही में, माशाल्लाह बहुत अच्छा दिखा। नई नस्ल जो तैयार हो रही है, मैं उनके लिए उनको मुबारकबाद देता हूं। जितने भी पार्टिसिपेट करे इसमें जो जीते हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं। और जो ये ऑर्गेनाइज़ करे हैं लक्ष्मण नाना शिवा, उन तमाम टीम को मैं मुबारकबाद देता हूं। ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए तेलंगाना में और इस तरीके से अगर प्रोग्राम होते रहेंगे तो नई नस्ल को ऐसे एक सीख मिलेगी और तकरीबन बुरे काम आज छोड़ के एक अच्छे काम के लिए आज देखने में इतने मुत्तुश्याम भाई को भी देखा है। माशाल्लाह पूरी टीम जिस तरीके से यहाँ पे शो किया है, मैं तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। 85 कैटेगरी में गोल्ड मेडल ले आऊँ अभी मैं, अभी भी मिस्टर तेलंगाना में 85 कैटेगरी में गोल्ड मेडल अभी हासिल किया हूँ। ये मेरे भाई, मेरे कोच, मेरे भाई सब सब तीन साल से अभी तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह 6 प्लेस लिया हूँ। तीन साल मेरी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग का करियर है, उसमें 3 साल में मैं अभी तक 6 मेडल लिया हूँ। 2 बार तेलंगाना में, 1 बार नरेश सूर्या में, 1 बार रंगारेड्डी में भी। हाँ, फिटनेस यंग जनरेशन के लिए देखिए सब स्टेरॉइड्स के लिए बहुत जा रहे हैं आजकल, शॉर्ट फॉर्म बहुत सब शॉर्टकट लेने के लिए बहुत वो कर रहे हैं। शॉर्टकट नहीं है इसके लिए, बस पेशेंस की ज़रूरत है। जितना पेशेंस रखेंगे उतने जल्दी सक्सेस होंगे। प्रॉपर डेडिकेशन, प्रॉपर हाइट, प्रॉपर मसल क्वालिटी, प्रॉपर एवरीथिंग, हर चीज़ चाहिए। गाइडेंस भी ज़रूरी है, किसी एक सीनियर का गाइडेंस ज़रूरी है। सब कुछ अपने से नहीं कर सकते हैं, बस किसी का एक अच्छे एक्सपीरियंस वाले का हाथ हो तो बहुत जल्द से जल्द से सक्सेस हो सकते हैं। थैंक यू। बस मामा ना,
90 प्लस में 95। अभी प्रोफेशनली मैं तो अभी एक साल से हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तो ट्रेनर हूँ। 45 में ट्रेनिंग करता हूँ और मेरा खुद का जिम भी है। इससे पहले सेकंड प्लेस आया था, अभी नेशनल के लिए ट्राई कर रहा हूँ। सतीश शुगर भी खेलना चाह रहा हूँ। मैं बॉडी पावर भी लास्ट ईयर बॉडी पावर भी खेला था, अभी एक महीने पहले यही मैंने। फर्स्ट टाइम सुल्तान शाही में इतना बड़ा शो यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है, जोरदार तालियां। थैंक यू।
कामयाब होता है। और उसके साथ साथ मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि अपनी बॉडी को बनाने के साथ साथ आप अपने माता पिता, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करिए, अपने माँ बाप की दुआएं लीजिए। जो लोग माँ बाप की दुआएं लेते हैं वो यहाँ पर भी कामयाब होते हैं और वो वहाँ पर भी कामयाब होंगे। और यंगस्टर से मैं कहना चाहूँगा, जो रात के जागने का मशगला हो चुका है, ख़ासतौर पर हैदराबाद में देखने में आ रहा है कि यंग बच्चे जो है या रात में जग रहे हैं, इसकी वजह है मोबाइल। मोबाइल फ़ोन में हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है और हर बच्चा या तो फेसबुक पे बिज़ी है या व्हाट्सएप पे बिज़ी है या इंटरनेट पे बिज़ी है। मैं कहना चाहूँगा आप तमाम लोगों से कि ये जो रात के जागने का मशगला है ये अपनी हेल्थ को ख़राब करता है, तो आप अपनी हेल्थ को अच्छी रखने के लिए रात में जल्दी सोइए और सुबह में जल्दी उठिए। इसके बारे में कुरान भी कहता है कि वजअलना लैल लिबासा वजअलना नहारा माशा, हमने तुमको रात दी है ओढ़ने के लिए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं हमने तुमको रात दी है ओढ़ने के लिए, आराम करने के लिए, और दिन दिया है काम करने के लिए। लेकिन हमारे यंगस्टर्स उसका उल्टा कर रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं, 9, 10 बजे, 11 बजे अपने काम के लिए जा रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत बुरी है। अपनी हेल्थ को, अपनी फिटनेस को मेंटेन कीजिए। देखिए राहुल किस तरीके से अपनी बॉडी बनाए और यहाँ पर आसिम किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिए, हैदर अपना परफॉर्मेंस दिए, और दूसरे बॉडी बिल्डर किरण हैं और भी हमारे नरेश है, वो लोग कितना अच्छा परफॉर्म किए बॉडी बिल्डिंग में। मैं चाहता हूँ कि हमारे बॉडी बिल्डर जिस तरीके से, मैंने नाम कमाया मिस्टर वर्ल्ड में, सिल्वर मेडल लेके आया मैं वहाँ पर मसलमेनिया वर्ल्ड में जाके, लास वेगस में, अमेरिका में जाके, मैं चाहता हूँ कि हमारे हैदराबाद से दूसरे बॉडी बिल्डर्स भी जाएँ, वो भी नाम कमा के आएँ। देखिए कि मेरे बाद फिर लक्ष्मण रेड्डी गए वहाँ पर, उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, राजू यादव गए वो भी गोल्ड, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मैं चाहता हूँ कि और बच्चे यहाँ से जाएं, हमारे हैदराबाद से, तेलंगाना से जाएं और हमारे इंडिया से जाके हमारे इंडिया का झंडा ऊपर करें और हमारे भारत का नाम सारे, जिस तरीके से क्रिकेट में आज हम लोग नंबर वन है, उसी तरीके से हम लोग बॉडी बिल्डिंग में भी नंबर वन हो जाए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का। देखिए मैं बार बार, आप लोग मेरा इंटरव्यू देखे होंगे TV5 पे, TV9 पे, मैं बार बार इस चीज़ के बारे में कह रहा हूँ कि शॉर्टकट जो मेथड होता है वो डेंजर होता है। शॉर्टकट से कुछ भी हासिल नहीं होता, लॉन्ग टर्म करिए। देखिए मैं 14 ईयर्स के बाद मुझे मिस्टर वर्ल्ड के लिए सेलेक्ट किया गया। हम अगर शॉर्टकट के लिए अगर जाते तो 2-3 साल में जा सकते थे। शॉर्टकट का जो मेथड है वो डेंजर है। शॉर्टकट कोई भी चीज़ ईजी नहीं है। इसमें बच्चे स्टीरॉयड ले रहे हैं, इंजेक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत से ऐसी चीज़ ले रहे हैं जिससे हमारी हेल्थ को नुकसान है। हम हेल्थ बनाने के लिए बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, लेकिन बच्चे अगर स्टीरॉयड लेंगे या इंजेक्शंस लेंगे या ज़्यादा क्वांटिटी में स्टीरॉयड लेके अपनी हेल्थ को जल्दी बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं तो ये चीज़ नुकसानदेह है। आप लोग अच्छा प्रोटीन लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, आप बॉइल्ड एग्स लीजिए, चिकन लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, अच्छे जूसेस लीजिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं तो अच्छे कोच के पास ट्रेनिंग लीजिए। अच्छे कोच के पास आप जाएंगे तो वो आपको अच्छी ट्रेनिंग भी देगा और आपको अच्छी चीज़ें सिखाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि शॉर्टकट का मेथड जो है वो लॉन्ग टर्म तक नहीं रहता। शॉर्टकट बॉडी बिल्डर थोड़े दिन आता है चला जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के बॉडी बिल्डर्स 25 ईयर्स 30 ईयर्स 40 ईयर्स तक भी, आप मनोहर एज के बारे में आप लोग सुने होंगे, हमारे मनोहर एज 86 ईयर्स तक उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की। पॉकेट मिस्टर यूनिवर्स के नाम से जाने जाते थे, जो कि कलकत्ता के बॉडी बिल्डर थे। तो आप लॉन्ग टर्म करेंगे तो वहाँ तक 86 ईयर्स तक भी आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में जाएंगे तो सिर्फ 3 साल की बॉडी बिल्डिंग, 4 साल की बॉडी बिल्डिंग होगी, उसके बाद आपका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। तो मेरा यही मैसेज है कि डोंट गो फॉर शॉर्ट टर्म, गो फॉर लॉन्ग टर्म, एंड जो भी कर रहे हैं डाइट के ऊपर जाइए, अच्छा प्रोटीन लीजिए और अच्छा वेजिटेबल्स लीजिए, अपनी डाइट को मेंटेन करते हुए आप बॉडी बिल्डिंग करिए। मैं फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूं और मीडिया जब से यहां पर कवरेज कर रहा था मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ఈరోజు ఇష్ట తెలంగాణ
ఇదే ఇదే కెమెరా కనుక బాడీ బిల్డింగ్ యొక్క ఛాంపియన్షిప్ ఏర్పాటు చేసిన చాలా ఆనందకరంగా ఉంది. ఇది మొట్టమొదటిసారిగా మన ఓల్డ్ సిటీలో జరగడం చాలా ఆనందకరంగా ఉంది. దీనికి కృషి చేసిన శివ గారు మరియు ఆ లక్ష్మణ్ గారు చాలా చాలా రోజుల నుంచి కాపాడు పడుతూ ఈరోజు చాలా ఘనంగా సక్సెస్ అయినందుకు సంతోషిస్తున్నాను. తెలంగాణ ఛాంపియన్షిప్ మార్కి బాడీ బిల్డింగ్ కితనే సార్ కితనే ఛాంపియన్షిప్ జీతే టోటల్ కొన్సే ప్లేస్ మిస్టర్ స్ట్రగల్ బ్రాన్స్ మెడల్ జూనియర్ నేషనల్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ నెక్స్ట్ స్టేట్ టైటిల్స్ నైన్త్ స్టేట్ లెవెల్ మే టైటిల్స్. అచ్చా మిస్టర్ వరల్డ్ మే కుచ్ ఇరాదా హై జానే కా ఆప్కో? హాన్ నెక్స్ట్ టైమ్ జానే కా ఇరాదా నెక్స్ట్ టైమ్. హైదరాబాద్ మే ఫస్ట్ టైమ్ హోయే వో భీ పురానే శహర్ మే జో కి ఐసా జానా జాతా థా కి భాయ్ యహాన్ పర్ యహాన్ కే లోగ్ యహాన్ కే జో నివాసీ హై ये कॉम्पिटिशन्स को लेके सक्सेस नहीं कर सकते, तो ओल्ड सिटी में ये इतना बड़ा प्रोग्राम सक्सेस हुआ है, इससे इसके इसके बारे में आपका क्या कहना है? తెలంగాణ ఛాంపియన్షిప్ ని మరీ ఇక్కడ ఓల్డ్ సిటీ సుల్తాన్ షాహి మున్సిపాలిటీ గ్రౌండ్లో ఇది ఒక 1.5 మంత్ నుంచి మేము కష్టపడుతున్నాము, మరి మా చైర్మన్ గారు చూస్తూనే ఉన్నారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంత సక్సెస్ అవుతుందా అని చాలామంది అనుకున్నారు, కానీ మాకు 101% ఇది అందులో సక్సెస్ అవుతుంది అని చెప్పి, ఎందుకంటే మా చైర్మన్ గారి ఆశీస్సులు ఉన్నాయని చెప్పేసి ఈ సక్సెస్ కావడం మాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. ఇలాంటి ఛాంపియన్షిప్లు ఇంకెన్నో ముందు ముందు చేస్తామని చెప్పి వారి సహకారం ఉంటే 100% సక్సెస్ చేద్దామని చెప్పి కోరుకుంటూ, అలాగే నా తమ్ముడు శివకాంత్ 2001-2002 మిస్టర్ తెలంగాణ ఛాంపియన్, అలాగే వారి సహకారం కూడా నాకు చాలా ఈరోజు ఈ 100% చెప్పాలంటే ఈ రథ సారథి ఎవరైతే బండి నడిపిస్తారో ఆ రథ సారథి లేకుంటే ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ కాలేదు. సక్సెస్ కావడం కారణం శివకాంత్ అని చెప్పి సభాకంగా తెలియజేసుకుంటూ మరి నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవుకుంటున్నా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చార్ సాల్ మెహనత్ అచ్చా డైట్ ఇంపార్టెంట్ ఔర్ రెస్ట్ వర్క్అట్ పూరా తీన్ చీజ మిలే తో ఏక్ ఛాంపియన్ బన్ సకతా. అభి తో సాబ్ ఆప్ హాత్ కే నీచే కితనే స్టేట్ లెవెల్ కే లియే కితనే నేషనల్ ఇయర్లీ 2017 సబ్ భీ ఛాంపియన్ ఆఫ్ ఛాంపియన్ ఏక్ నహీ తో దో బార్ సబ్సే జ్యాదా రాహుల్ 9 టైమ్స్ ఛాంపియన్ ఆఫ్ ఛాంపియన్ అండ్ వరల్డ్ మే థాయిలాండ్ మే జో లాస్ట్ ఇయర్ 2016 మే హువా వహాన్ పే బ్రాంజ్ మెడల్ ఆయా ఔర్ వహాన్ భీ 56 కంపిటీటర్స్ మే యూ గాట్ బ్రాంజ్ మెడల్ ఫర్ అవర్ కంట్రీ. ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ రాహుల్ అండ్ ఈవెన్ ఆల్ ఆఫ్ మై స్టూడెంట్స్ హూ గాట్ లారెన్స్ ఫర్ మీ అండ్ మై కంట్రీ మై స్టేట్ అండ్ ఈవెన్ మై డిస్ట్రిక్ట్. బాడీ బిల్డింగ్ ఐసీ చీజ్ ఏక్ అచ్చా లైఫ్ స్టైల్ హే క్యూకి డైట్ కా ఊపర్ జ్యాదా కాన్సన్ట్రేషన్ రహతా తో హర్ ఏక్ బాడీ బిల్డర్ బన్నా బోల్ కే నహీ ఉదర్ ఫిట్నెస్ పే థోడా ధ్యాన్ దేనా బోల్ కే న్యూ జనరేషన్ ఏం జనరేషన్ యూత్ కే లియే తో గుడ్ హ్యాబిట్స్ పహలీ చీజ్ హే సో కాన్సన్ట్రేట్ కర్నా ఎక్సర్సైజ్ కా ఊపర్ ఔర్ అచ్చా డైట్ లేనా. ఆజకల్ న్యూ జనరేషన్ జో హే టాబ్లెట్స్ ఇంజెక్షన్ లేక షార్ట్కట్ జానా జా రహీ ఉస్కే ఉన్కే బారే మే షార్ట్కట్స్ లేనా అబ్ హర్ బార్ బాడీ బిల్డర్ ఉంకా ఊపర్ హి ఉంగ్లీ క్యూ ఉఠాతే హే వో పూచ్నా చాహతా హూం. న్యూ జనరేషన్ జో ఆజకల్ లే రహే నా ఉస్కే బారే మే న్యూ జనరేషన్ హర్ కోయి జనరేషన్ యే చాహ్ రహా కే 10-15 సాల్ కౌన్ మెహనత్ కరేగా షార్ట్కట్ బన్ జాయేగా. హమారా బోల్నే కా మక్సద్ యే హై సాహబ్ క్యూంకి షార్ట్కట్ కా జో హై అభి మాన్ లీజియే రాహుల్ 3 ఇయర్స్ సే జో కర్ రహే కంప్యూటర్ 4 సాల్ సే జో మెహనత్ కర్ రహా హై యహీ మెహనత్ షార్ట్కట్ మే హో తో ఇస్సే డబల్ దిఖాయి దేగా హోగా. ఐసా నహీ హై అబ్ రాహుల్ జో హై 21 ఇయర్స్ హై ఔర్ బచ్చోం కా జో భీ గ్రోత్ కా స్టేట్ హోతా హై అడల్ట్హుడ్ మే ఆతా హై దే విల్ కమ్ ఫ్రమ్ 16-25 ఇయర్స్ సో ఉస్ మే ఉస్ టైమ్ పే హార్మోన్స్ జో భీ జో హై నా జ్యాదా రహతే तो उस वक्त में आप अच्छा डाइट लेके मेहनत करें तो वो लाइफ लॉन्ग रहता है. वो समझ रहे नहीं, हर कोई क्या समझ रहे बॉडी बिल्डिंग करे कुछ ना कुछ लिया वैसा अगर कुछ ना कुछ लिया लेकर खड़े बोले तो सब बन सकते, क्यों नहीं बन रहे?
जो भी एनाबॉलिक है वो पेशेंट्स के लिए, वो जो पेशेंट्स भी लेते हैं वो क्यों बॉडी बिल्डर नहीं बन रहे? जितना भी रहने दो, मगर 80% इज न्यूट्रिशन, डाइट एंड स्लीप। ओके, मुझे दीजिए इजाजत, मैं सोमेश्वर सिंह राणा, तब तक के लिए देखते रहिए आरवाई न्यूज, सबसे आगे सबसे तेज।